नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी तेलीबाग में। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को पावन पर्व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जिस प्रकार हम लोगों ने वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल को समाप्त किया था दोस्तों, तो उत्तर वैदिक काल में ही उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा से लोहे का साक्ष्य मिला। किसका साक्ष्य मिला दोस्तों? लोहे का साक्ष्य मिला। और लोहे के साक्ष्य के साथ ही कह सकते हैं महाजनपदों की स्थिति शुरू हो गई दोस्तों। तो आज हम लोग अपने इसी क्रम को आगे ले चलते हैं और आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बौद्ध धर्म। क्या नाम है दोस्तों? बौद्ध धर्म। तो हेडिंग डालिए बौद्ध धर्म। ठीक है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध या कह सकते हैं शाक्य मुनि। क्या नाम है? शाक्य मुनि, जिन्हें एशिया का ज्योतिर्पुंज भी कहा जाता है दोस्तों। तो कह सकते हैं क्या कारण रहा, तो देख सकते हैं कि नवीन धर्मों का उदय हुआ जिसमें कह सकते हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म व अन्य धर्मों के नाम आते हैं। तो क्या कारण रहा, क्या कारण रहा और ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिस कारण वैदिक सभ्यता में जो कह सकते हैं ब्राह्मणवादी परंपरा है, ये धीरे धीरे टूटने लगी। तो दोस्तों कह सकते हैं, मैंने आपको बताया ऋग्वेद का 10वां मंडल कहलाता है पुरुष सूक्त, और पुरुष सूक्त में वर्ण विभाजन बताया गया है, और कह सकते हैं इस वर्ण विभाजन में वर्णों को 4 खंडों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो दोस्तों कह सकते हैं इस वर्ण विभाजन ने क्या कर दिया, नवीन धर्मों के उदय में सहायता प्रदान की दोस्तों। ठीक है, तो नया धर्म पढ़ेंगे हम लोग बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है दोस्तों? गौतम बुद्ध या शाक्य मुनि, और इन्हें क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिर्पुंज या प्रकाश पुंज, या इंग्लिश में कहें तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है दोस्तों। लेकिन अगर इससे पहले देखा जाए तो कह सकते हैं जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के 3 स्तंभ हैं। क्या बताया दोस्तों मैंने? बौद्ध धर्म के 3 स्तंभ हैं। 3 स्तंभों में कौन है? नंबर वन बुद्ध जिन्हें संस्थापक कहा जाता है, नंबर 2 उपदेश जिन्हें क्या कहा जाता है? धम्म। क्या कहा जाता है? धम्म। और नंबर 3 है संघ। संघ क्या है? भिक्षु व भिक्षुणियों का समूह। तो सर्वप्रथम दोस्तों मैंने क्या बताया, बौद्ध धर्म के 3 आधार स्तंभ हैं। क्या बताया मैंने? बौद्ध धर्म के 3 आधार स्तंभ हैं। कौन कौन से? पहला बुद्ध संस्थापक, दूसरा धम्म अर्थात उपदेश, और तीसरा अगर कहा जाएगा तो ये है आपका संघ, भिक्षु व भिक्षुणियों का समूह दोस्तों। तो लिख लेंगे। अब इधर देखा जाए तो बौद्ध धर्म के मैंने क्या बताया, 3 आधार स्तंभ हैं। तो यहां पे लिख लेंगे आधार स्तंभ, अर्थात कह सकते हैं बौद्ध धर्म किसके ऊपर टिका हुआ है। तो बौद्ध धर्म मुख्य रूप से 3 चीजों के ऊपर टिका हुआ है। तो दोस्तों अगर इसको देखा जाए तो कह सकते हैं नंबर 1 कौन है? बुद्ध है। नंबर 1 कौन है? बुद्ध है। और अगर बुद्ध को देखा जाए तो ये हैं आपके संस्थापक। कौन है आपके? संस्थापक। नंबर 2 देखा जाए तो धम्म। धम्म से यहां तात्पर्य है उपदेश से। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो धम्म है ये पाली भाषा का शब्द है। धम्म जो है ये पाली भाषा का शब्द है जिसका संस्कृत में अर्थ होता है धर्म। क्या बताया दोस्तों मैंने? धम्म पाली भाषा का शब्द है जिसका संस्कृत में अर्थ होता है धर्म। और नंबर 3 अगर देखा जाए तो ये है आपका संघ। क्या है दोस्तों आपका? संघ। और संघ का अर्थ हुआ भिक्षु व भिक्षुणियों का समूह। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे देखें तो मैंने बोला बौद्ध धर्म के 3 आधार स्तंभ, नंबर 1 बुद्ध, नंबर 2 धम्म और नंबर 3 संघ दोस्तों। नेक्स्ट देखा जाए
तो अब यहाँ पे बौद्ध धर्म के अगर हम संस्थापक लिख लें, क्या लिख लें दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक, तो कह सकते हैं इन्हें कहा जाता है शाक्य मुनि। क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि, ठीक है। या ब्रैकेट में लिख लेंगे गौतम बुद्ध, ठीक है दोस्तों। अब देखा जाए तो इन्हीं गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया का ज्योतिर्पुंज। क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिर्पुंज या प्रकाश पुंज। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको इंग्लिश में कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। क्यों? कह सकते हैं एशिया में अगर किसी ने लोगों को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने का कार्य किया है तो ये कौन थे आपके? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध या शाक्य मुनि। तो कह सकते हैं इंग्लिश में इन्हें क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, ठीक है दोस्तों। अब इनके बारे में हम कुछ प्रारंभिक जानकारियां देखेंगे दोस्तों। तो प्रारंभिक जानकारियों में क्या, जैसे इनके बचपन का नाम, इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम, इनका कह सकते हैं जन्म तिथि, जन्म स्थान, कह सकते हैं कि वह कौन सा स्थल था जहां पे हुआ, इनकी पत्नी का नाम, इनके चचेरे भाई का नाम, इनके पुत्र का नाम, ग्रह त्याग, कहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसके अलावा कह सकते हैं पहला उपदेश कहाँ दिया, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया, अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया, वह कह सकते हैं इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई दोस्तों। तो इस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो इस क्रम में नंबर वन हम लोग लिखेंगे दोस्तों क्या, कि इनका जन्म कब हुआ। क्या लिखेंगे? जन्म कब हुआ, फिर बचपन का नाम, फिर माता पिता और अन्य जानकारियों को दोस्तों आगे लिखेंगे। तो इसको रफ करते हैं और इनके बारे में कह सकते हैं जो प्रारंभिक जानकारियां हैं वो हम लोग लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो बौद्ध धर्म है ये टिका हुआ किसके ऊपर है बेटा? महात्मा बुद्ध के ऊपर। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग ब्रैकेट में शाक्य मुनि दोस्तों, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो जन्म, तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, 563 बीसी या ईसा पूर्व, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो जन्म स्थान, तो दोस्तों जन्म स्थान क्या है? शाक्य गढ़ राज्य की राजधानी, शाक्य गढ़ राज्य की राजधानी, और ये राजधानी है आपकी कपिलवस्तु। क्या है दोस्तों? कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी के राजकीय वन में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्या बोला मैंने, कह सकते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ? शाक्यगढ़ राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में लुम्बिनी के राजकीय वन में हुआ दोस्तों। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन कई बार आया है, किस राजा के अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है, किस राजा के अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के राजकीय वन में हुआ। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक नोट करके हम लोग लिख लेंगे छोटा सा, क्या लिख लेंगे? नोट करके। और क्या लिख लेंगे? अशोक के सम्राट अशोक के रुम्मिन देई अभिलेख से, ठीक है दोस्तों। सम्राट अशोक के रुम्मन देई अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? कपिलवस्तु में लुम्बिनी के राजकीय वन में हुआ। जो वर्तमान समय में अगर लुम्बिनी देखा जाएगा तो दोस्तों कहाँ है ये? ये नेपाल में है दोस्तों।
कहाँ पे है? नेपाल में है। नेक्स्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो कह सकते हैं कि जन्म किस दिन हुआ या तिथि कौन सी थी, तो लिख सकते हैं दोस्तों तिथि बैशाख पूर्णिमा। क्या तिथि है दोस्तों? बैसाख पूर्णिमा। ध्यान दीजिएगा गौतम बुद्ध के बारे में दोस्तों सबसे बड़ी अच्छाई है, गौतम बुद्ध को कह सकते हैं जन्म कब हुआ? बैसाख पूर्णिमा के दिन। इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? बैसाख पूर्णिमा के दिन। और इनकी मृत्यु कब हुई? बैसाख पूर्णिमा के दिन। तो कह सकते हैं इसके बारे में अलग अलग आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा दोस्तों। क्या बताया मैंने? तिथि अर्थात जन्म तिथि कब है इनकी बेटा? बैसाख पूर्णिमा। इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? बैसाख पूर्णिमा। और इनकी मृत्यु कब हुई? बैसाख पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखा जाए तो कह सकते हैं बचपन का नाम। क्या दोस्तों? बचपन का नाम। तो दोस्तों इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था दोस्तों? सिद्धार्थ। नेक्स्ट देखा जाए तो अब यहां पर देखते हैं कि इनके पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम था राजा शुद्धोधन। नेक्स्ट लिखेंगे दोस्तों, ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। पिता राजा शुद्धोधन, ठीक है दोस्तों। क्या नाम है? राजा शुद्धोधन। और ये कौन थे? शाक्य गणराज्य के प्रमुख, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखा जाए तो माता, और गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया। और महामाया जो थी ये कोलिब महावंश की थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि गौतम बुद्ध की माता किस राजवंश की थी, तो आंसर होगा आपका कोलीय महावंश। नेक्स्ट अगर देखें तो इनके चचेरा भाई, ठीक है दोस्तों, चचेरा भाई कौन था इनका? देवदत्त। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि गौतम बुद्ध के जीवन काल के समय ही कौन बौद्ध धर्म का प्रमुख बनना चाहता था, तो ध्यान दीजिएगा इनका चचेरा भाई देवदत्त गौतम बुद्ध के जन्म के समय ही, या कह सकते हैं गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध धर्म का प्रमुख बनना चाहता था दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो लिख कह सकते हैं कि जन्म के कुछ दिनों बाद ही इनकी माता का क्या हो गया दोस्तों? देहांत हो गया। और देहांत होने के कारण इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। तो पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट लिखेंगे ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखा जाए तो कह सकते हैं इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम था यशोधरा। पत्नी यशोधरा, ठीक है दोस्तों। और इनकी पत्नी से इन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था राहुल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो मैंने कुछ प्रारंभिक जानकारी आपको गौतम बुद्ध के बारे में बताई दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं गौतम बुद्ध के पिता अर्थात राजा शुद्धोधन ने गौतम बुद्ध के निवास करने के लिए तीन प्रकार के महलों का निर्माण कराया था। एक महल जो वर्षा के अनुकूल था अर्थात वर्षाकालीन अनुकूल था, दूसरा ग्रीष्मकाल के अनुकूल था, और तीसरा अगर कहा जाए तो शीतकाल के अनुकूल था। अर्थात कह सकते हैं राजा शुद्धोधन गौतम बुद्ध के जीवन पर किसी भी बाहरी प्रभाव को नहीं पड़ने देना चाहते थे, इसी कारण ये महल से बाहर भी नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन अपने सारथी चिन्ना के साथ में रथ पर बैठकर ये घर से बाहर निकलते हैं, और कहते हैं कि इसी घर से बाहर निकलने की कड़ी ने इनको क्या कर दिया, इनके जीवन को पूरी तरीके से क्या कर दिया दोस्तों? परिवर्तित कर दिया। क्यों?
क्योंकि इन्होंने घर से बाहर निकलते ही सबसे पहले देखा एक जर्जर शरीर का व्यक्ति, अर्थात एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखा जाए तो कह सकते हैं इन्होंने देखा एक रोगी व्यक्ति को देखा। दोस्तों सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति को देखा, इसके बाद इन्होंने क्या देखा दोस्तों, इन्होंने देखा रोगी व्यक्ति को। नंबर तीन अगर देखा जाए तो इन्होंने एक डेड बॉडी देखी, अर्थात कह सकते हैं एक मृत शरीर को देखा जिसे कुछ लोग अपने कंधों पर लाद करके दोस्तों ले जा रहे थे। और चौथे क्रम में अगर देखा जाए तो इन्होंने एक सन्यासी को देखा। किसको देखा दोस्तों? सन्यासी को देखा। तो गौतम बुद्ध को बेटा वहीं से कह सकते हैं इनका माथा थोड़ा सा क्या हो गया, घूम गया, और इन्होंने सोचा कि वास्तविकता में जो मैं जीवन जी रहा हूं ये कुछ और है और बाहर का जीवन कुछ और है। अर्थात कह सकते हैं कि बाहर के जीवन में क्या है और वास्तविक मानव जीवन का उद्देश्य क्या है और वास्तविक ज्ञान क्या है, इसी ज्ञान की खोज के लिए गौतम बुद्ध ने ग्रह को छोड़ने का प्लान बना लिया दोस्तों। तो अब हम पढ़ेंगे ग्रह त्याग। तो ग्रह त्याग को अगर देखा जाए दोस्तों तो 29 वर्ष की अवस्था में दोस्तों, मैंने क्या बताया, 29 वर्ष की अवस्था में एक रात अपनी पत्नी व पुत्र को सोता हुआ छोड़कर गौतम बुद्ध निकल गए उस ज्ञान की प्राप्ति की ओर जिसे ना किसी ने कभी देखा हो और ना किसी ने कभी क्या हो सुना हो दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा इस क्रम में सबसे पहले वो वैशाली पहुंचे दोस्तों। कहाँ पहुंचे? वैशाली पहुंचे। और वैशाली में जा करके ये सांख्य गुरु अलार कलाम के आश्रम पहुंचे और इनके साथ कथा प्रसंग किया दोस्तों। लेकिन गौतम बुद्ध को उनके ज्ञान से संतुष्टि नहीं मिली दोस्तों। क्यों? क्योंकि वही ज्ञान था जो रटा रटाया था और गौतम बुद्ध वो ज्ञान चाहते थे जो वास्तव में कभी किसी के सामने ना आया हो। अगर दूसरा देखा जाए दोस्तों तो इसके बाद कह सकते हैं ये उरुवेला पहुँचे और उरुवेला में दोस्तों ये कौंडल्य नामक 5 साधकों के पास गए और इन्होंने वहाँ पर कथा प्रसंग किया। लेकिन गौतम बुद्ध को उनसे भी संतुष्टि नहीं हुई। इसके बाद गौतम बुद्ध दोस्तों बोध गया चले गए। कहाँ गए? बोध गया। और बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, जिसे पुनपुन नदी भी कहा जाता, वर्तमान समय में इसका नाम है फाल्गु नदी, इस नदी के तट पर इन्होंने 6 वर्षों की कठोर तपस्या की। और 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा इसी दिन गौतम बुद्ध को क्या कहा गया? तथागत कहा गया, या दोस्तों क्या कहा गया? बुद्ध क्या कहा गया दोस्तों? क्या कहा गया? तथागत कहा गया या बुद्ध कहा गया दोस्तों? अब ध्यान दीजिएगा तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? ग्रह त्याग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ग्रह त्याग। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ग्रह त्याग। ठीक है दोस्तों, क्या बताया मैंने? 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रह का त्याग किया? 29 वर्ष की अवस्था में। और ग्रह त्याग के बाद सर्वप्रथम ये कहां पहुंचे दोस्तों? तो लिख सकते हैं सर्वप्रथम कहां पहुंचे? वैशाली में सांख्य गुरु अलार कलाम के पास। ठीक है दोस्तों, कहाँ पहुँचे? वैशाली में सांख्य गुरु अलार कलाम के पास पहुँचे दोस्तों। नेक्स्ट देखा जाए तो अलार कलाम के आश्रम पहुँचने के बाद दोस्तों वो कहाँ पर गए दूसरा? तो कह सकते हैं उरुवेला। कहाँ गए? उरुवेला या बोध गया में कौंडल्य नामक 5 ब्राह्मण साधकों से मिले दोस्तों। क्या लिखेंगे? उरुवेला या बोध गया में कौंडल्य नामक 5 ब्राह्मण साधक। लेकिन इनके ज्ञान से भी गौतम बुद्ध दोस्तों क्या हुए? संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये पहुंच गए कहां पे? बोध गया। तो लिख लेंगे दोस्तों नेक्स्ट, बोध गया में
कहाँ दोस्तों? बोध गया में। नेक्स्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे? निरंजना या ब्रैकेट में पुनपुन। और आधुनिक नाम क्या है दोस्तों? फाल्गु नदी में पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है दोस्तों, पीपल के वृक्ष के नीचे। फिर क्या लिखेंगे? 6 वर्षों की तपस्या। और 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद दोस्तों, क्या बताया मैंने? 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति। दोस्तों क्या बताया मैंने? वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस ज्ञान की प्राप्ति होते ही बुद्ध को क्या कहा गया? तथागत कहा गया या बुद्ध कहा गया दोस्तों। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट और है दोस्तों, कभी कभी आ जाता है कि गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को, गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण लिख लेंगे दोस्तों। इस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखा जाए तो कह सकते हैं महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी और महात्मा बुद्ध ने वो ज्ञान प्राप्त हुआ जो ना किसी दूसरे के पास में था। अब ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद गौतम बुद्ध दूसरे लोगों को क्या करेंगे दोस्तों? इस ज्ञान की प्रदान करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्रम में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया दोस्तों। कहाँ दिया दोस्तों? सारनाथ में दिया, जिसमें कह सकते हैं इनके प्रथम अनुयायी कौन बने? 5 ब्राह्मण साधक बने दोस्तों। कौन बने? 5 ब्राह्मण साधक बने। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो ये उपदेश था ये महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था? मृगदाव वन में दिया था दोस्तों। कहाँ दिया था? मृगदाव वन में दिया था। और इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन या मृग सहित चित्रण कहा जाता है दोस्तों। क्या बोला मैंने? गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन या क्या कहा जाता है? मृग सहित चित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मृग सहित चित्र? क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश मृगदाव वन में दिया था। कहाँ दिया था दोस्तों? मृगदाव वन में दिया था। या कहाँ दिया था? ऋषि पतन में दिया था। कहाँ दिया था? ऋषि पतन में दोस्तों। तो नेक्स्ट लिखेंगे प्रथम उपदेश। क्या लिखेंगे? प्रथम उपदेश। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे? प्रथम उपदेश। ठीक है दोस्तों, क्या बताया मैंने? सारनाथ। और ये सारनाथ है कहाँ? वाराणसी। ठीक है दोस्तों, यहां पे कहाँ दिया? ऋषि पत्तन या कह सकते हैं मृगदाव वन दोस्तों। ठीक है, और किन्हें दिया था? 5 ब्राह्मण साधकों को दोस्तों। किसको दिया? 5 ब्राह्मण साधकों को दिया। और इस घटना को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है दोस्तों? या कह सकते हैं मृग सहित चित्रण दोस्तों कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कह सकते हैं गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में
ऋषि पत्न या मृगदावगन में दिया, किनको दिया? पांच ब्राह्मण साधकों को दिया दोस्तों। और इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन या मृग सहित चित्रण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए इन्होंने? श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए दोस्तों? श्रावस्ती में, जो कौशल राज्य की राजधानी है दोस्तों। क्या बोला मैंने आपको? सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए दोस्तों। और श्रावस्ती क्या है? कौशल राज्य की राजधानी। नेक्स्ट लिखेंगे, सर्वाधिक उपदेश कहाँ? श्रावस्ती। और श्रावस्ती क्या है? कौशल राज्य की राजधानी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध के जो सर्वाधिक शिष्य थे ये कौशल राज्य से ही थे या श्रावस्ती से थे, इसीलिए गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए दोस्तों? श्रावस्ती में दिए। नेक्स्ट देखा जाए तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, अपना अंतिम उपदेश अपने प्रिय शिष्य आनंद व सुब्रत को दिया। किसको दिया? प्रिय शिष्य आनंद व सुब्रत को दिया दोस्तों। तो लिख लेंगे क्या? अंतिम उपदेश आनंद व सुब्रत को दोस्तों, लिख लीजिए। क्या लिखेंगे दोस्तों? अंतिम उपदेश किसको दिया दोस्तों? आनंद व सुब्रत को दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए दोस्तों, तो एक क्वेश्चन आता है कि वो पहला राजा कौन था जो गौतम बुद्ध का अनुयायी बना? तो ध्यान दीजिएगा, मगध का शासक बिंबिसार गौतम बुद्ध का पहला शिष्य था, जो कौन था? राजा था। लिख लेंगे दोस्तों, यहां लिखेंगे प्रथम राजा शिष्य। तो ये कौन था दोस्तों? आपका बिंबिसार। कहाँ का शासक था दोस्तों? मगध। और मगध की राजधानी क्या थी दोस्तों? राजगृह या राजगीर दोस्तों। नेक्स्ट देखा जाए तो कह सकते हैं गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे दोस्तों? तो लिख लेंगे प्रिय शिष्य आनंद व उपाली। ठीक है दोस्तों, क्या बताया मैंने? प्रिय शिष्य आनंद व उपाली दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो मृत्यु, हेडिंग डालेंगे मृत्यु। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, 80 वर्ष की अवस्था में 483 BC में 80 वर्ष की अवस्था में 483 BC में पावापुरी में चंद लुहार के घर सूकर का मांस खाने से, अर्थात सुअर का मांस खाने से इन्हें उदर विकार हुआ दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया? 80 वर्ष की अवस्था में 483 BC में पावापुरी में चंद लुहार के घर सूकर का मांस खाने से इन्हें उदर विकार हुआ, और इसी उदर विकार के कारण कह सकते हैं कुशीनारा, कहाँ दोस्तों? कुशीनारा में इनकी क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई दोस्तों। क्या हो गई इनकी? कुशीनारा में इनकी दोस्तों मृत्यु हो गई, जो मल्ल की राजधानी है दोस्तों। क्या है? मल्ल की राजधानी है दोस्तों। और इनकी मृत्यु को कह सकते हैं बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है दोस्तों। क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है दोस्तों। तो लिख लेंगे मृत्यु 483 BC, ब्रैकेट में लिख लेंगे 80 वर्ष की अवस्था में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं घटना आपको पूरी बता चुका हूँ कि पावापुरी में चंद लुहार के घर सूकर का मांस खाने से उदर विकार हुआ, और 483 BC में 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनारा में हुई। कहाँ हुई? कुशीनारा में, जो मल्ल की राजधानी दोस्तों। तो लिख लेंगे कुशीनारा, और ये क्या है? मल्ल की राजधानी दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, तो 80 वर्ष की अवस्था में
483 BC में गौतम बुद्ध का दोस्तों क्या हो गया, निधन हो गया दोस्तों। और इस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण दोस्तों। क्या कहा जाता है इस घटना को, कह सकते हैं इनकी मृत्यु की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, और इसका अर्थ होता है शरीर का त्याग करना दोस्तों। नेक्स्ट एक नोट करके पॉइंट लिख लेंगे दोस्तों कि गौतम बुद्ध कह सकते हैं नारियों को दीक्षित करना नहीं चाहते थे दोस्तों। मैंने क्या बोला, गौतम बुद्ध नारियों को दीक्षित करना नहीं चाहते थे, परंतु शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने महिलाओं को अपने संघ में शामिल किया, और प्रथम महिला कौन बनी, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी दोस्तों। तो नोट करके एक पॉइंट और लिख लेंगे दोस्तों, क्या, प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को दीक्षित किया, और प्रथम महिला कौन थी, मौसी प्रजापति गौतमी दोस्तों। ठीक है, लिखिए, नोट करके लिखिए। नोट क्या लिखेंगे, महात्मा बुद्ध नारियों को दीक्षित नहीं करना चाहते थे। क्या दोस्तों, नारियों को दीक्षित नहीं करना चाहते थे, लेकिन आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर दोस्तों इन्होंने क्या किया, दीक्षित किया। ठीक है दोस्तों, और प्रथम शिष्य दोस्तों कौन बनी इनकी, प्रजापति गौतमी, और ये इनकी कौन थी दोस्तों, मौसी थी, या कह सकते हैं प्रजापति गौतमी ने ही गौतम बुद्ध को दोस्तों क्या किया था, पाला था। नेक्स्ट देखा जाए दोस्तों, तो कभी कभी पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध के उस जीवन से जुड़े हुए चार चित्रों को बताइए व उनका अर्थ बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध के जन्म को कमल से प्रदर्शित किया गया है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध के जन्म को कमल से प्रदर्शित किया गया है दोस्तों। दूसरा अगर देखा जाए तो ग्रह त्याग को घोड़े से प्रदर्शित किया गया है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ग्रह त्याग को घोड़े से प्रदर्शित किया गया है। अगर नेक्स्ट नंबर 3 देखा जाए तो बोधि ज्ञान को बोधि वृक्ष से दोस्तों प्रदर्शित किया गया। क्या बोला मैंने, कि बोधि ज्ञान को बोधि वृक्ष से समर्पित किया गया। और नंबर 3 कह सकते हैं प्रथम उपदेश को धर्म चक्र के नाम से क्या किया गया, या धर्म चक्र से दोस्तों क्या किया गया, प्रदर्शित किया गया है। तो लिख लेंगे बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए प्रमुख चित्र व उनका अर्थ दोस्तों। हेडिंग डाल लीजिए, बुद्ध के जीवन से जुड़े चित्र व उनका अर्थ। ठीक है दोस्तों, इधर लिख लेंगे हम लोग चित्र, और इधर लिख लेंगे दोस्तों हम लोग अर्थ। तो नंबर 1 अगर देखा जाए तो नंबर 1 दोस्तों क्या है, कमल, और कमल किससे है दोस्तों, जन्म से। नंबर 2 देखा जाए तो है आपका घोड़ा दोस्तों, क्या है आपका, घोड़ा, और घोड़ा किसको प्रदर्शित करता है, ग्रह त्याग। नंबर 3 देखें दोस्तों तो ये है आपका धर्म चक्र परिवर्तन, और ये प्रदर्शित करता है गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश। और चौथा अगर दोस्तों देखा जाए तो मैंने क्या बताया, बोधि वृक्ष किसको प्रदर्शित करता है, बोधि ज्ञान को दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखें तो एक क्वेश्चन दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले एग्जाम में आया था, और उस क्वेश्चन में था कि गौतम बुद्ध ने जिन जिन चित्रों को देखा, या उन चित्रों ने जिन्होंने गौतम बुद्ध के जीवन को सबसे अधिक प्रभावित किया, इन्हें
क्रम से व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध के वैराग्य के कारण या गौतम बुद्ध के वैराग्य अर्थात कह सकते हैं जो उन्होंने गृह त्याग किया था उसके प्रमुख कारण क्या थे, इन्हें भी क्रम से लिख लिया जाए दोस्तों। तो हेडिंग डालिएगा बुद्ध के वैराग्य के कारण। ठीक है दोस्तों, तो नंबर वन मैंने आपको बताया था दोस्तों क्या था, वृद्ध व्यक्ति, इसी को लिख सकते हैं बूढ़ा या जर्जर व्यक्ति दोस्तों। ठीक है, नंबर दो देखा जाए तो कह सकते हैं रोगी व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, इधर लिख लेंगे तो हम कह सकते हैं दोस्तों क्या कैसा व्यक्ति, बीमार। नंबर तीन अगर दोस्तों देखा जाए तो कह सकते हैं इन्होंने क्या देखा था, मृत शरीर दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग लिखना चाहें दोस्तों तो लिख सकते हैं डेड बॉडी। और नंबर चार देखा जाए तो इन्होंने क्या देखा दोस्तों, मस्त मलंग सन्यासी। और इन चारों घटनाओं ने गौतम बुद्ध के जीवन को पूरी तरीके से दोस्तों क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन है आपसे, पूछ सकता हूँ कि वे कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति थे जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या पूछा, वे कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति थे जो गौतम बुद्ध के जीवन में, जो गौतम बुद्ध के क्या थे दोस्तों, शिष्य थे। अगर इस क्रम में देखा जाए तो नंबर वन है आपका सारिपुत्र। नंबर वन कौन है दोस्तों, सारिपुत्र। नंबर दो देखा जाए तो आनंद। नंबर दो कौन है, आनंद। नंबर तीन देखा जाए तो उपाली दोस्तों। कौन है दोस्तों, उपाली। नंबर चार देखा जाए तो बिंबिसार दोस्तों। क्या है दोस्तों, बिंबिसार। नंबर पांच देखा जाए तो ये है आपका प्रसेनजीत दोस्तों। कौन है आपका, प्रसेनजीत है। नंबर छह देखा जाए दोस्तों तो ये है आपका आजाद शत्रु दोस्तों। कौन है, आजाद शत्रु। नंबर सात देखिए दोस्तों तो ये है आपका जीवक। कौन है दोस्तों, जीवक। और नंबर आठ देखे तो यह है महाकश्यप दोस्तों। ध्यान दीजिएगा ये गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे या कह सकते हैं प्रधान शिष्य थे दोस्तों। प्रिय शिष्यों के दो नाम मैंने बता दिए, आनंद व उपाली। लेकिन प्रधान शिष्य दोस्तों कह सकते हैं वे शिष्य जिन्हें गौतम बुद्ध क्या करते थे, मानते थे दोस्तों। मैंने क्या बोला, वे शिष्य जिन्हें गौतम बुद्ध क्या करते थे दोस्तों, मानते थे दोस्तों। और इस क्रम में मैंने आठ लोगों का नाम बताया। तो हेडिंग डालेंगे प्रधान शिष्य। ठीक है दोस्तों, नंबर वन मैंने क्या बताया दोस्तों, सारी पुत्र। नंबर दो दोस्तों मैंने बताया आनंद। क्या बताया दोस्तों, आनंद। नंबर तीन मैंने बताया दोस्तों उपाली। नंबर चार बताया दोस्तों मैंने बिंबिसार। नंबर पांच बताया दोस्तों मैंने प्रसन्न जीत दोस्तों। नंबर छह बताया मैंने बिंबिसार का बेटा आजाद शत्रु दोस्तों। नंबर सात बताया दोस्तों मैंने जीवक। और नंबर आठ बताया दोस्तों मैंने महाकश्यप। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये गौतम बुद्ध के क्या थे, प्रधान शिष्य थे दोस्तों। नेक्स्ट देखा जाए तो कह सकते हैं गौतम बुद्ध ने चार आर्य सत्य बताए दोस्तों। क्या बताए गौतम बुद्ध ने, चार आर्य सत्य बताए। नंबर वन दुख, अर्थात कह सकते हैं संसार कैसा है दोस्तों, दुखमय है। कैसा है दोस्तों, संसार दुखमय है। दूसरा क्या है, दुख समुदय। दूसरा क्या है दोस्तों, दुख समुदय। अर्थात कह सकते हैं इस दुख का कारण है क्या है दोस्तों, तो कह सकते हैं तृष्णा, इच्छा, लालसा, लालच, ये सब इस दुख का दोस्तों क्या है, कारण है। नंबर तीन देखा जाए तो ये है आपका दुख निरोग, अर्थात कह सकते हैं दोस्तों इस दुख को कैसे दूर किया जा सकता है या इस दुख का निवारण क्या है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा तृष्णा का त्याग ही
दुख का दोस्तों क्या है, निवारण है। और नंबर चार है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा मार्ग, अर्थात कह सकते हैं दोस्तों कि दुख के निवारण का मार्ग। और ध्यान दीजिएगा यह मार्ग आठ सोपानों से गुजरता है दोस्तों, किससे गुजरता है, आठ सोपानों से गुजरता है, इसीलिए इसे कहा गया है आष्टांगिक मार्ग दोस्तों। क्या कहा गया है, आष्टांगिक मार्ग कहा गया है। और ध्यान दीजिएगा गौतम बुद्ध ने दोस्तों कहा है, गौतम बुद्ध ने दोस्तों क्या कहा है कि ये जो दुख है ये मार्ग जो है दोस्तों ये आसान नहीं है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा क्या कहा मैंने, गौतम बुद्ध ने कहा है कि जो ये मार्ग है दोस्तों ये आसान नहीं है दोस्तों। तो लिख लेंगे क्या मैंने क्या बताया, चार आर्य सत्य बौद्ध धर्म के दोस्तों कौन कौन से हैं, पहला दुख, दूसरा दुख समुदय, नंबर तीन दुख निरोग, और नंबर चार दुख निरोग गामिनी प्रतिपदा मार्ग। और ध्यान दीजिएगा इसी मार्ग को गौतम बुद्ध ने दोस्तों क्या कहा है, आष्टांगिक मार्ग कहा है, या क्या कहा है, दुख निवारण मार्ग। क्या कहा है, दुख निवारण मार्ग दोस्तों। तो लिख लेंगे दोस्तों नंबर वन हेडिंग डाल लेंगे पहले, चार आर्य सत्य। और ये चार आर्य सत्य जो हैं ये बौद्ध धर्म के हैं दोस्तों। तो लिख लेंगे आगे हेडिंग डाल के, बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य। तो नंबर वन दोस्तों क्या है, दुख। तो यहां पे लिख लेंगे दोस्तों, संसार जो है वो क्या है, दुखमय है। संसार कैसा है दोस्तों, दुखमय है। हर व्यक्ति किसी ना किसी व्यक्ति से या किसी ना किसी कारण से दोस्तों क्या है, दुखी है दोस्तों। नंबर दो क्या है, दुख समुदय, अर्थात कह सकते हैं इस दुख के उत्पन्न होने का कारण क्या है दोस्तों। तो यहां पे लिख सकते हैं क्या, इच्छा लालसा व लालच इस दुख का क्या है दोस्तों, कारण है। नंबर तीन देखा जाए तो दुख निवारण, अर्थात इस दुख को कैसे दूर किया जा सकता है दोस्तों। तो लिख सकते हैं तृष्णा का त्याग, अर्थात कह सकते हैं दोस्तों इच्छाओं का या लालच का त्याग ही क्या है, दुख के निवारण का मार्ग है दोस्तों। और कह सकते हैं इस दुख को दूर करने के लिए जो मार्ग है वो आसान नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, दुख निरोग गामिनी प्रतिपदा मार्ग, या इसी को कहा गया आष्टांगिक मार्ग दोस्तों। लिख लेंगे नंबर चार, दुख निरोग गामिनी प्रतिपदा मार्ग, और इसी को दोस्तों लिखा जाता है दुख निवारक मार्ग, या इसी को लिखा जाता है आष्टांगिक मार्ग दोस्तों। क्यों लिखते हैं, क्योंकि आठ सोपानों से गुजरता है यह, ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आष्टांगिक मार्ग। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये जो दुख समुदाय है इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, और पूछता है गौतम बुद्ध ने दुख समुदाय को कौन सा सिद्धांत कहा है। तो दोस्तों इसे कहा है प्रत्यय संप्रभुतात् का सिद्धांत। क्या कहा है, प्रत्यय संप्रभुतात् का सिद्धांत दोस्तों। तो लिख लेंगे ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार पूछा गया है कि दुख समुदाय को गौतम बुद्ध ने क्या कहा है, क्या कहा है, प्रत्यय सबुपाद का सिद्धांत दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब अगर देखा जाए तो कह सकते हैं यहाँ पर हमने दोस्तों पढ़ लिया कि गौतम बुद्ध के या बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य क्या थे दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हेडिंग डालेंगे बौद्ध दर्शन दोस्तों। क्या हेडिंग डालेंगे, बौद्ध दर्शन दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा बौद्ध दर्शन में तीन पॉइंट है, पहला अनित्यता, नंबर दो अनात्मा, और नंबर तीन अनीश्वरवाद दोस्तों। तो मैंने क्या बताया, अनित्यता, नंबर दो अनात्मा, और नंबर तीन अनीश्वरवाद दोस्तों। तो हेडिंग डालेंगे बौद्ध दर्शन।
ठीक है दोस्तों, बौद्ध दर्शन में मैंने तीन चीज़ें बोली, पहला आ नित्यता, नंबर दो अनात्मा और नंबर तीन अनीश्वर। ठीक है दोस्तों, अभी इधर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला अनित्यता। तो गौतम बुद्ध ने माना कि कोई भी चीज़ इस संसार में जो हो वो हमेशा एक समान नहीं रहती है, अर्थात कह सकते हैं कि अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो बड़ा भी होगा और उसकी एक निश्चित समय बाद में क्या होगी दोस्तों, मृत्यु भी हो जाएगी। तो कह सकते हैं गौतम बुद्ध के अनुसार कोई भी चीज़ स्थाई नहीं है और हर चीज़ के अंत का एक निश्चित समय होता है, इसीलिए पहला बौद्ध दर्शन है अनित्यता, नंबर दो अनात्मा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई भी चीज़ इस संसार में कैसी है दोस्तों, अनित्य नहीं है, अर्थात जन्म लेने वाली चीज़ का अंत निश्चित है। तो आत्मा अगर होती तो आत्मा का भी अंत क्या होता दोस्तों, निश्चित होता। और अनीश्वरवाद का अर्थ होता है कि ईश्वर जैसी चीज़ जो है वो इस संसार पर विद्यमान नहीं है दोस्तों। तो अर्थात कह सकते हैं गौतम बुद्ध ने भी ईश्वर को नहीं माना है दोस्तों। तो मैंने आपसे क्या बताया दोस्तों, बौद्ध दर्शन में तीन, नंबर वन अनित्यता, नंबर दो अनात्मा और नंबर तीन अनीश्वरवाद दोस्तों। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग बौद्ध ग्रंथ दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, बौद्ध ग्रंथ में मुख्य रूप से आपने तीन पढ़े होंगे दोस्तों। कितने पढ़े होंगे दोस्तों, आपने तीन पढ़े होंगे, नंबर वन विनय पिटक, नंबर दो सुत्त पिटक और नंबर तीन अभिदम्ब पिटक। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों तो इसके अलावा कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं जो कहीं ना कहीं कहा जाए तो बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं दोस्तों। तो इन्हें भी हम लोग देखते चलेंगे। जैसे क्वेश्चन आता है कि जातक कथाएं किसके जीवन से संबंधित हैं, क्या बताया दोस्तों मैंने, जातक कथाएं किसके जीवन से संबंधित हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, ये जातक कथाएं जो हैं ये गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। नंबर दो देखा अगर तो एक क्वेश्चन आता है विशुद्धि मग्ग किसकी रचना है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा ये किसकी रचना है, बुद्ध घोष की रचना है। फिर नंबर तीन पूछता है कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा बुद्ध चरित्र जो है दोस्तों ये अश्वघोष की रचना है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दीपवंश व महावंश दोस्तों ये दोनों क्या हैं आपके, श्रीलंकाई ग्रंथ हैं। दीपवंश किसने लिखा है इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त है दोस्तों, लेकिन महावंश जो है इसका लेखक जो है दोस्तों महानामा को माना जाता है। इसके अलावा देखा जाए अगर दोस्तों तो कह सकते हैं कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार में रहने वाले नागार्जुन दोस्तों, कौन दोस्तों, नागार्जुन, जिन्होंने माध्यमिका कारिका सिद्धांत को लिखा दोस्तों। किसको लिखा, माध्यमिका कारिका, जिसे कह सकते हैं दोस्तों शून्यवाद का सिद्धांत या सापेक्षवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं नागार्जुन को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, वह भारत का दोस्तों क्या कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन कहा जाता है दोनों। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक पुस्तक है आपकी मिलिंद पनो, जिसकी रचना किसने की है दोस्तों, नागसेन ने की है और ये पाली भाषा में दोस्तों उपस्थित है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें कह सकते हैं हिंद यवन के शासक मिलिंद और कह सकते हैं नागसेन के मध्य वार्ता का वर्णन है दोस्तों। तो ये कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जो बौद्ध धर्म को भी बताते हैं दोस्तों। तो कह सकते हैं मुख्य रूप से तीन पिटक है दोस्तों, जिन्हें त्रिपिटक भी कहा जाता है। तो त्रिपिटक किससे संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से दोस्तों, पहला विनय पिटक, नंबर दो सुत्त पिटक और नंबर तीन क्या है दोस्तों, अभिदम्ब पिटक है दोस्तों। कौन कौन से हैं, तीन पिटक, नंबर वन विनय पिटक, नंबर दो सुत्त पिटक और नंबर तीन अभिदम्ब पिटक दोस्तों। तो लिख लेंगे बौद्ध ग्रंथ और नंबर वन लिखेंगे त्रिपिटक। ठीक है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ में नंबर वन क्या लिखेंगे, पिटक का अर्थ होता है पिटारा, पिटक का अर्थ दोस्तों क्या होता है, पिटारा दोस्तों। मैंने क्या बताया, पिटक का अर्थ होता है पिटारा दोस्तों। नेक्स्ट देखा जाए, ये पिटक मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित है दोस्तों। कितने भागों में विभाजित, तीन भागों में, नंबर वन विनय पिटक,
नंबर दो सुत्त पिटक और नंबर तीन अभिधम्म पिटक। इन दोनों पिटकों की स्थापना गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही हो गई थी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं इन दोनों की स्थापना गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही दोस्तों हो गई थी। और तीसरे पिटक की स्थापना अशोक के धर्मगुरु मोगली पुत्र तिस्स ने की दोस्तों, और ये दर्शन पर आधारित है, बौद्ध दर्शन पर आधारित है। दोस्तों अगर सुत्त पिटक देखा जाए तो कह सकते हैं सुत्त पिटक जो है दोस्तों इसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों को रखा गया है, और ये पांच खंडों में विभाजित है। नंबर वन दीर्घ निकाय, नंबर दो मज्जिम निकाय, नंबर तीन अगुत्तर निकाय, नंबर चार संयुक्त निकाय, पाँच है दोस्तों आपका खुद्दक निकाय। तो दोस्तों अब इन तीनों पिटकों के बारे में कुछ प्रमुख जानकारियां लिख लेते हैं दोस्तों। तो नंबर वन विनय पिटक, तो कह सकते हैं विनय पिटक में आचरण संबंधी नियम दिए गए हैं, अर्थात कह सकते हैं भिक्षु और भिक्षुणियों को संघ में किस प्रकार का आचरण करना है, इसका संकलन किस में किया गया, विनय पिटक में। लिख लेंगे आचरण संबंधी नियम, ठीक है दोस्तों। सुत्त पिटक जो है इसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है दोस्तों, और इसे कह सकते हैं पांच खंडों में विभाजित किया गया है दोस्तों, पांच खंडों में विभाजित किया गया है। नंबर वन दीर्घ निकाय, नंबर दो मध्यम निकाय, नंबर तीन अगुत्तर निकाय, नंबर चार संयुक्त निकाय दोस्तों, और नंबर पांच खुद्दक निकाय, ठीक है दोस्तों। तो कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध में सुत्त पिटक को पांच खंडों में विभाजित किया गया है, नंबर वन दीर्घ निकाय, नंबर दो मध्यम निकाय, नंबर तीन अगुत्तर निकाय, नंबर चार संयुक्त निकाय, और नंबर पांच खुद्दक निकाय दोस्तों। अभिधम्म पिटक देखा जाए तो लिख सकते हैं बौद्ध दर्शन पर आधारित, और इसकी रचना की है दोस्तों मोगली पुत्र तिस्स ने, और ये मोगली पुत्र तिस्स अशोक के धर्मगुरु हैं दोस्तों। अगर अन्य ग्रंथों को देखा जाए दोस्तों, मैंने क्या बोला अन्य ग्रंथों को देखा जाए, तो लिखिए हेडिंग डालिए अन्य ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, अन्य ग्रंथ तो लिख सकते हैं दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आ जाता है जातक कथाएं किसके जीवन से संबंधित हैं, तो जातक कथाएं गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखें तो पुस्तक का नाम है विशुद्धि मग्ग, और इसके रचना हैं, रचनाकार हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखें तो पुस्तक का नाम है बुद्ध चरित्र, और इसके रचनाकार हैं अश्व घोष। नंबर चार में देखें तो लिख सकते हैं क्या दोस्तों, श्रीलंकाई ग्रंथ हैं दोस्तों, कौन कौन से, दीप वंश व महावंश व महावंश। दीप वंश के लेखक के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, और महावंश के लेखक का नाम है महानामा। नेक्स्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो एक पुस्तक है आपकी, नाम है मिलिंद
पन्हों, और इसकी रचना की है नागसेन ने। और इस पुस्तक में हिंद, यवन या बैक्ट्रिया के शासक मिलिंद का वर्णन किया गया है, किस प्रकार वो भारत में आया और कह सकते हैं नागसेन के संपर्क में आने के बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। दोस्तों नेक्स्ट पुस्तक जो है दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, तो जो अब लिखवा रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको डाल दीजिएगा। और इसका नाम है माध्यमिका कारिका, ठीक है दोस्तों। इसी को कहा जाता है शून्यवाद का सिद्धांत, इसी को कहा जाता है सापेक्षता का सिद्धांत। और इसके जो रचनाकार हैं दोस्तों ये कौन है दोस्तों, आपको नागार्जुन, कौन है दोस्तों नागार्जुन। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों नागार्जुन को दो बड़ी उपाधियां दी गई हैं, नागार्जुन को दो बड़ी उपाधियां दी गई। पहला, इन्हें कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों स्वामी विवेक स्वामी दयानंद सरस्वती को भी भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है और नागार्जुन को भी भारत का मार्टिन लूथर कहा गया। दूसरा दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है भारत का अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है दोस्तों। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार में थे दोस्तों और कह सकते हैं बौद्ध धर्म में माध्यम संप्रदाय के जनक है दोस्तों। तो दोस्तों अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध संगीतियों को, व दो तीन टॉपिक और छूटे हुए हैं, इन्हें हम दोस्तों अगली क्लास में अपनी कवर करेंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व दोस्तों के मध्य शेयर करने का कार्य करें। धन्यवाद।